अब हम लोग ना पीछे से एग्जिट करके एग्जिट ऐसे अरे मेरी बेटी पहले आपने हमसे पूछा था कि आपको अच्छा लगा तो अब आई वुड लाइक टू से दैट मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग को काम पसंद आया है. बहुत मेहनत जाती है काम करके एक सीरीज बनाने में और आज उसका नतीजा आप सबके सामने है. यू गाइस लाइक इट सो इट्स अ बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट. मत कहने को हम सफ़र हैं जी. डेफिनेटली आई थिंक ओल्ड बालाजी फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ लेकर आया. पिछली बार जब मैं आया था तो कुछ और था, इस साल अभी कुछ और है. आई थिंक बहुत जल्दी एक कम स्पैन में जब ओल्ड बालाजी इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज़ लेकर आता है, डेफिनेटली उनके पास इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग खजाना है, भंडार है उनके पास कि आई थिंक जब भी एक तक कपूर कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आती हैं इतने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ कि रौनक रॉय, मोना एंड गुरदीप, तो तीनों का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक अच्छा तालमेल होगा शो में. एंड मुझे वो देखना है. और जो एक वन लाइन जो है, जो टैग लाइन है कि वो शादीशुदा है और तीसरा कोई अगर इंसान है तो लाइफ कितनी चेंज होती है, वो मुझे देखना है. सर जी, वेब सीरीज भी कुछ ऐसी कहती है कि जो लोग जिन लोगों के साथ में आप टाइम निकालें और उसके बाद लोग कहते हैं कि अब हम आपके लाइफ के साथ सफर नहीं रहेंगे, क्या ठीक होता है ऐसे में जब? जी डेफिनेटली आई थिंक इट्स मोर अबाउट ऑल्सो काइंड ऑफ कि आप चाहते हैं उसको, आप चाहते हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं कि यू नो इन द सेंस कि एक जो हमसफ़र जो होता है आई थिंक वो आपकी ज़िंदगी में जब आता है आपकी पत्नी को छोड़ के जब दूसरा हमसफ़र आता है तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है. तो आई थिंक फिर वो हमसफ़र का जो पूरा जो एक जो उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है बिकॉज आपके लिए एक पति पत्नी और एक दूसरा हमसफ़र, तो पूरा जो है ज़िंदगी जीने का नज़रिया चेंज हो जाता है. तो वो मुझे देखना है वो कैसे एकता कपूर जो है पूरी ओल्ड बालाजी टीम जो है राइटर्स जो है उन्होंने कैसे दिखाया. इट्स अ वेरी बहुत सेंसिटिव लाइन है, खास करके हमारे देश में किस तरह लोग इसके साथ इसको देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे वो मुझे देखना है. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक. और हमारा देश जो है जहाँ पे मतलब कल्चर जो है इतना स्ट्रांग है कि अगर पति पत्नी और वो आ जाए तो वो के साथ बहुत बड़ा एक सर्कल हो जाता है कि भैया पति पत्नी ये तीसरी कौन आ गई या ये तीसरा कौन आ गया. तो जैसे मैंने कहा कि इट्स अ वेरी इमोशनल सेंसिटिव टॉपिक, किस तरह डील किया गया है मुझे वो देखना, किस तरह उन्हें दर्शाया. क्योंकि हम देख रहे हैं वेब सीरीज एक प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में धीरे धीरे बनते जा रहा है, आपको भी हम इस तरह से बिल्कुल मैं इनफैक्ट आज मैं बात ही कर रहा था कि वेब सीरीज आई थिंक इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि मुझे खुद मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग वेब सीरीज करो. आई थिंक हम लोग मुझे टेलीविजन करते 12 साल हो गए, तो अगर वेब सीरीज में कुछ इंटरेस्टिंग हो और खास करके अगर हमारे ही फैमिली में हो, बालाजी फैमिली में हो, तो वाई नॉट. बट कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ हटके हो. जैसे मैं देखता हूँ हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब बहुत इनके बाद बहुत भंडार है. एकता कपूर जी की जो रिवोल्यूशन क्रांति है हमने देखा था कुछ सालों पहले, वो टीवी जब किया था ही एकता कपूर एक क्रांतिकारी रही हैं. आई थिंक वो एक फ्रीडम फाइटर हैं. जब उन्होंने किया था तो जी आई थिंक एकता कपूर हैज़ सेट द बार सो हाई कि एज अ प्रोड्यूसर, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, एज अ क्रिएटिव, एज अ राइटर, एज अ विजनरी कि आप इतना आगे जा चुके हैं. बाकियों को कुछ साल लगे समझना कि उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो एकता कपूर ने जो ये पूरा जो ये ट्रेंड स्टार्ट किया है वेब सीरीज़ का, ये हमारे देश में नहीं था. अभी अब तक हम लोग देख रहे थे कि अमेरिकन शोज़ और इंग्लिश शोज़ जितने वेस्टर्न शोज़ हैं हम खुद देख रहे थे, मतलब मैं खुद देखता था. अभी हमारे देश में इतने अच्छे शोज़ बन रहे हैं जैसे बोस हो गया जो अभी डेड और अलाइव, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने खुद देखी है. मैंने जब भी समय मिलता है मैं देखता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं. उसके बाद मैं होपफुली मैं शायद ये देखूँगा बिकॉज मुझे रौनक दा मेरे बहुत फेवरेट हैं. आई थिंक ही इज़ लाइक अ टीवी आइकॉन. आई थिंक उनको देख के हम बहुत बड़े होंगे. सो आई थिंक रौनक दा हैं, मोना है, गुरदीप हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कोलैबोरेशन होगा. गुड एक्टर्स एंड अ वेरी सुपर प्रोड्यूसर एंड अमेजिंग टीम, तीनों का मिलाकर मुझे देखो मिशन कैसा लगता है. थैंक यू सो मच.
हमने तो देख ली, बहुत ही एक्साइटेड तो हैं क्योंकि टीजर्स जब हमने जो हमने देखे काफ़ी रियलिस्टिक लगे और इनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है एंड ऑल्ट बालाजी ने बनाए तो कुछ हटके बनाया होगा. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेलीविजन चेंजिंग, इस चीज़ को लेके हम काफ़ी सेम. मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस ड्रामा एंड मुझे थोड़ा रोना है, मुझे थोड़ा हंसना है, थोड़ा पॉपकॉर्न खाना है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड इट्स वेरी नाइस कि आजकल इंस्टेड ऑफ डेली सोप हम ऑल्ट बालाजी एंड ये सब यू नो नई चीज़ें हो रही हैं, तो दैट्स वेरी गुड, हमारे लिए बहुत अच्छा. चलिए आप लोग वेब सीरीज देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे, देख लीजिए. ओके, थैंक यू. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी का यही कहना है कि बहुत ही ब्यूटीफुल वेब सीरीज देखने को मिली है, जितने भी आपके दोस्त यहाँ पर आए. सब सभी का ये भी कहना है कि आप उनको क्रांति लाती है, जब टीवी की दुनिया में एक टाइम पे आपने क्रांति लाई, नाउ वेब सीरीज. आई लव यू बट नो, मैं क्रांति वांति कुछ नहीं लाती हूँ, मेरा काम है काम करना, मैं वही करती हूँ एंड आई डू दैट विथ माई बेस्ट पैशन. कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, मेरा काम है काम करना, ये मेरी जर्नी है. जर्नी अगर मैं इन्जॉय करूँगी तो आउटकम पे मैं देखती नहीं हूँ. बट एकता यू नो जब जो हमने देखा स्टोरी सेंटर मैं शायद मेल को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई. ऑलवेज इन अ स्टोरी यू हैव टू हैव वन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू डोंट हैव टू सपोर्ट द मैन और द वुमन. वॉट एवर यू फील फॉर, यू फील फॉर, आई लव यू सपोर्ट वन पर्सन. ओके, तो आपको क्या उम्मीदें हैं यू नो फ्रॉम द इंडियन ऑडियंस, जो शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इतनी ये नहीं होती. इंडिया में कहने की बात, खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत और होते हैं. हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हमको सेक्स से बड़ी प्रॉब्लम होती है. और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जितना होते हैं यहाँ, वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और हम इसलिए छुपाते हैं क्योंकि हम सोसाइटी के लिए छुपा रहे हैं. What is happening is basically what the show is about. देखता है कि क्या लगता है कि ऐप के जरिए इस शो से लोग जुड़ेंगे. I honestly feel that you know the world is there open for radical television and we can't do it on TV, so this is the place to do it. Okay. It also this web series shows what true love is. Yes. So according to you, what it is? According to me, true love is not with any boundary. It does not have any kind of prohibition. अगर आप समाज से जो सपोर्ट करके प्यार करते हो कि यार सब खुश हैं, सब ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट होता है, यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आई एम नथिंग ऑलवेज. बट जहाँ आपको दुनिया के अगेंस्ट जाना पड़ता है, आपको समाज की सोच के अगेंस्ट जाना पड़ता है, बट फिर भी आप जाते हैं बिकॉज आपको पता कि आप सही हो. वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई होती है, बिकॉज बहुत बहुत पेन और बहुत रेजिलेंस लगता है उसके लिए. वेब वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड आ रहा है, उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो गया है और मैं भी इस वर्ल्ड से जुड़ गया हूँ. और एकता जी के लिए वर्ल्ड इन्हीं के लिए मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ, सो इट्स कॉल्ड फैमिली. सो आई हैव कम स्पेशली फ्लाई डाउन, आई वाज इन थाईलैंड, तो मैं आज ये शो के लिए आई हैव कम. या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज रोनित हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोगों ने एक फिल्म की थी आर्मी, उसके बाद अभी
लखनऊ सेंट्रल की थी, वे ऑल फ्रेंड्स, हमने काफ़ी काम किया है और आज रौनित इतने अच्छे परफॉर्मर है, उनका काम देखने के लिए मैं आया हूँ और एक्साइटेड हूँ कि बहुत अच्छी सीरीज़ बनी है, बहुत तारीफ सुनी। रवि जी, क्योंकि आपने फैमिली की बात की, हम देख रहे हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक फैमिली है, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, आप भी हैं, रजनीकांत जी आ रहे हैं, कमल हसन जी आ रहे हैं, आपकी तरफ से क्या टेक होता है जब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के, मतलब पूरी इंडस्ट्री के लोग भी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, रजनीकांत जी? बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को आज पहली बार बताना चाहता हूँ कि दत्त साहब, सुनील दत्त साहब, NTR, MGR रहे हैं या जयललिता जी रहीं, और हम लोग बहुत ही सेंसिटिव कॉम हैं कलाकार लोग, हम लोग भी नीचे से ऊपर आते हैं तो हमको पता है दुख दर्द क्या होता है, जब सब कुछ पा लेते हैं समाज से तो वी वांट टू गो गिव बैक टू सोसाइटी, वो धारणा लेके आते हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को गलत फहमी भी है कि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये नचनिया हैं, ये नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, उन सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये हम लोग भारतीय हैं, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा भी उतना ही फ़र्ज बनता है, हम भी इमोशनली करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ यहाँ पावर पाने के लिए आते हैं, और हम लोग बड़ी मदद करते हैं और बड़े सक्सेसफुल रहे हैं कलाकार या स्टार रहे हैं, और वो हमेशा तन मन धन से लगते हैं, विनोद खन्ना साहब रहे हैं या जितने भी रहे हैं पॉलिटिशियंस जो कलाकार बने हैं, बड़े सक्सेसफुल रेशो रहा है सबका, हेमा जी इतना अच्छा करें, जया जी हैं, सो यस, बड़े सेंस, हम लोग बड़े सिंसियर होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, जिस तरह से सारे पॉलिटिशियंस हैं उसी तरह हम भी एक ईमानदार कलाकार भी बड़ा ईमानदार समाज सेवी होता है, क्योंकि वो इतने सालों से पूरी कंट्री को एंटरटेन करता है, उनके दुख दर्द को समझता है, जीता है, एंड देन उसको वापस उनको लौटाना होता है, और वो एक सब कुछ पाने के बाद फिर वो रिटर्न करने के लिए पॉलिटिक्स में आता है। बट रवि जी, क्या कहना चाहेंगे, अभी आपने फिलहाल कहा कि यू नो पॉलिटिक्स में आप लोग, मतलब आप लोग नीचे से काफ़ी ऊपर आए हैं, काफ़ी मेहनत की है, जब एक पॉलिटिशियन जो है वो जैसे डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ करते हैं फिल्म स्टार्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे? शर्म आनी चाहिए उनको, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ख़ासकर महिला के लिए, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति दे रहे हैं, उसमें अगर कोई भी एक मेच्योर पॉलिटिशियन जस्ट बिकॉज वो हर्ट हैं किसी चीज़ के लिए पर्सनल लेवल पे, तो यू कान डू दिस टू, आप ये राजनीति में ज़बान पे लगाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राजनीति में कर्म बड़ा है ना कि ज़ुबान, तो ज़ुबान पर लगाम होना देना बहुत ज़रूरी राजनीति में। साथ ही रवि जी, स्पेकुलेशन ज़्यादा है कि बच्चन जी की तबीयत काफ़ी नासाज है और वो उन्हें वापस जोधपुर से लाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आने से पहले टेलीविज़न पर देख रहा था, जय जी ने कहा ही इज़ मच बेटर नाउ, बिकॉज बहुत हैवी वेट क्लोथ्स था उनका, वो शूटिंग कर रहे थे तो शायद अब गर्मी भी शुरू हो गई है, बट इज़ अ फाइटर, बच्चन साहब बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों से आ गए, और हम पूरा देश उनके लिए दिल से दुआएं हमेशा करता है, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये वाली वेब सीरीज के लिए खास तौर पे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई लव रौनित दास वर्क, एंड रौनित दास मोना एंड गुरदीप ऑल्सो फैंटेसी एक्टर, एंड जितना भी मैंने टीजर देखा है बहुत बढ़िया लग रहा है, सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। ओके, हमने अभी भी देखी वेब सीरीज अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, यू नो इंडियन ऑडियंस कितना रिलेट कर पाएगी, क्योंकि इंडियन ऑडियंस और ऑडियंस अब्रॉड का फर्क रहा ही नहीं है, बिकॉज इंडियन ऑडियंस इज ऑल्सो इवॉल्व सो मच, इंडियन सिनेमा, इंडियन टेलीविजन, इंडियन मीडिया इवॉल्व सो मच के शोज के जॉनर चेंज हो गए हैं, वी कैन टच अपॉन बोल्ड सब्जेक्ट्स लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल और दोस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, सो आई थिंक अब इंडियन ऑडियंस और दूसरी ऑडियंस ज़्यादा फर्क नहीं रहा, सो दे एक्सेप्ट एवरीथिंग एल्स। बट यू नो हम सालों से, लाइक व्हेन वी वर किड्स, वी हैव सीन बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, एंड बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में तो इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि हमारे लिए एज किड्स इट वाज स्कैंडलस, बट एज यू ग्रो अप एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट सोसाइटी इज ऑल अबाउट, यू अंडरस्टैंड कि ये सब होता है, देखता है क्योंकि में भी तो थे, क्योंकि में कितने एक्सपेरिमेंटल फेज, क्योंकि सास भी कभी होती, आल्सो हैड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, राइट? बट जहां तक ट्रेलर्स है ना, बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, इट्स नॉट स्लीजी, इट्स नॉट चीप, इट्स अ वेरी अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ वेरी मैच्योर एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप दैट दे हैव एक्सप्लेन ओवर दैट, फॉर श्योर। ओके, शादी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिज, आपकी भी शादी को लेकर यू नो बहुत ज़्यादा ऑडियंस भरोसा कुछ थोड़ा सा कम कर रही थी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, नाउ दैट यू proved it to the world, it always takes time for someone to prove something to the audience or to the people watching,
बी इट मैरिज, बी इट एग्जाम रिजल्ट, बी इट एनीथिंग. जब घर पे पढ़ाई भी करते हो और मम्मी पूछती पढ़ाई कैसी चल रही है, हम कहते माँ पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो मम्मी बोलती है रिजल्ट आएगा तब देखेंगे. सो माँ को भी भरोसा नहीं होता बच्चों की पढ़ाई पे. सो आई थिंक इट ऑलवेज टेक्स टाइम फॉर प्रूविंग द गुड थिंग्स आउट. शादी दो लोगों के बीच होती है, हालांकि शादी पे आते मेहमान बहुत सारे हैं, देखते लोग बहुत सारे हैं, बट इट हैपन्स ओनली बिटवीन टू पीपल. सो फॉर अस लोगों को प्रूव करने से ज़्यादा ये ज़रूरी था कि हम साथ में टैंगो करें. सो फॉर अस इट टेक्स टू टैंगो. दैट्स हाउ इट वर्क्स इन एवरी मैरिज इन फैक्ट. डिजिटल मीडियम इज मीडिया हैज़ नाउ बिकम हैज़ इवॉल्व एंड हैज़ गिवन एंटरटेनमेंट आई थिंक टेन फोल्ड मोर देन व्हाट इट वाज सम टाइम बैक. बिकॉज अब डिजिटल के लिए क्या हो गया कि रीच इज बिकम मच बिगर. अब इंसान टेलीविजन या थिएटर का मोहताज नहीं रहा. एनी मिनट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनी कॉर्नर जहाँ आपके पास एडिक्वेट नेटवर्क है यू आर देयर एंड कीपिंग एट पार विद एंटरटेनमेंट. And we are working together concerned, and hopefully I think let's see if there's something that comes in our way, we will definitely why not. Karan, एकता कपूर जी के इस रिवोल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से जब उन्होंने टीवी स्टार्ट किया लोगों को काफी पसंद आया एंड अब आई थिंक वेब सीरीज ऑल्ट बालाजी तो इज अ ब्रेक थ्रू इन इट्स ओन सेल्फ. बट आई थिंक एकता ऑलवेज नोन टू डू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स एंड बीयर विद क्यूकी या फिर इनफैक्ट मेरे शो ये मोहब्बत को भी देख लो. पहली बार कोई हीरो शायद था सीरियल जैसे ऑलरेडी एक बच्चा हो एंड एक ऐसी औरत जो मान नहीं बन सकती थी, डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. सो एकता इज नोन टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स एंड क्रिएट ट्रेंड्स आउट ऑफ दोस. सो आई थिंक दिस इज अनदर ट्रेंड सेट इन बाय हर. यू नो मुझे क्लियरली याद है एकता का एक पोस्ट था इंस्टाग्राम पे और उन्होंने कहा था कि आई एम टेकिंग अ पीस ऑफ माई हार्ट एंड टर्निंग इन टू आर्ट. सो जितनी भी चीज़ें वो बना रही हैं ना, इट्स छोटे छोटे उनके दिल के टुकड़े हैं जो उन्होंने कभी बटोरे होंगे, कभी समेटे होंगे, कभी जोड़े होंगे, और वो सब हम देख रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट. थैंक यू. अनिल Look here, right side. I'm right side. Monoji, right side. मैम राइट साइड वीडियो मैम लुक किया अरे भाई मैम लुक किया फ्रेंड अरे यार राइट कॉर्नर मैम लुक किया मैम राइट साइड मैम लुक किया दिनेश भाई कैमरा अरे अनीता मैम वन लुक सेंटर यो लुक यो ये सब क्या आपके लेफ्ट है सॉरी लेफ्ट यहां पे सामने वो विजुअल लाइट नहीं आ रहा है इधर डालाई नहीं क्या भाई थैंक यू लेकिन तुम्हारे पीछे भी कोई है अभी को देखो ना सामने लेकिन सब एक ले रहे हैं अभी आपके आगे भी जाएगा लाइट फुट लीजिए मैम यो हाँ इस तरफ सामने ऑन द राइट यो ऑन द राइट Then you are you?
Please, somebody take a picture of us also. One second. Somebody take a picture of us, please. Who will take? Take a nice. Take a couple of bunny. जी परमेश्वर जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कैसी लगी आपको सीरीज? नो प्रॉब्लम. ये हमने दो एपिसोड्स देखे हैं एंड आई थिंक परफॉर्मेंसेज आर वेरी गुड. Storyline, yeah, such an amazing performer. Yeah, I think main to khali, because me being a male actor, you know, my focus usually lies on male performances. To ki mujhe kuch seekhne ko mil jaye. So I realized ke what he's playing is not an easy character to play. Obviously, Indian society mein jaise hum, you know, it's not. He's not playing the most likable husband, yeah, or the most ideal husband or ideal lover. मतलब वो जूझ रहे हैं बीच में. So it's a very very strong character, but at the same time very risky character to choose. So all kudos to him. He's done a fantastic job, and obviously Mona is a fab actor anyway. Mona is refreshing, and Gurdeep ji. उन्हें देखकर लग रहा है कि हाँ, वो जो उनकी जो पुरानी सीरीज चलती थी संजीवनी, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं. शी वाज ऑलवेज एन अमेजिंग परफॉर्मर. शी इज अगेन डूइंग द सेम मैजिक हियर. तो किस तरह के रिंग पसंद है आपको? रिंग सिल्वर गोल्ड. अच्छा वो ओके. किसी ने नहीं, ये टेस्ट लिया है इन्होंने? किसी ने मतलब आप कहीं घूम के तो नहीं आ गए? आपने सच में देखा है कि नहीं? प्लैटिनम विद डायमंड. पति साथ में है. देखो, हर बर्थडे टू बर्थडे मुझे गिफ्ट्स मिलते रहते हैं इनकी तरफ से, तो ऐसे मैं हिंट्स ड्रॉप करती रहती हूँ. ये मुझे ऐसे बता देते हैं इस बर्थडे आपको नहीं. एक्चुअली मेरे पास बहुत अच्छी वाली रिंग है जो उन्होंने मुझे पहले दी थी, या एंगेजमेंट रिंग है ये. मैं आई डोंट पार्ट विद इट. ये मेरी फेवरेट है. एंड आई थिंक इसके आगे और क्या चाहिए? देखो, मैंने कितना अच्छा सा ट्रेन करके रखा है. ठीक है, अब तुम जैसे मर्जी क्वेश्चंस पूछ लो, वो यही जवाब देगी. अच्छा, किस तरह की वेब सीरीज में हम आपको देखेंगे? ऐसे कोई हम सफर बनेंगे? हाँ, क्यों नहीं. अगर कुछ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ, साथ ही साथ ये है मोहब्बतें में से वक्त भी मिल गया, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी कुछ इफेक्टिव सा, कुछ अलग हटके, कोई अलग हटके वेब सीरीज. Absolutely, yeah. मैं तो I'm all game for web. I think it's an amazing bridge between daily soaps, जो टी वी है हमारा, और फिल्म्स के बीच का जो दरमियान है. I think it's it gives you more scope to perform, and real space में भी होता है, and you know it's a good space to be in. I'd love to do it. दिव्यांगा जी, और एक चीज़ जानना चाहेंगे. क्या हुआ? Tired? कुछ सालों पहले एकता जी ने जिस तरह से टीवी में क्रांति लाई थी, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज के जरिए, खुद अपना एक ऑल्ट बालाजी के जरिए जिस तरह से वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? एकता की खासियत ये है कि वो बदलती रहती हैं, इवॉल्व करती हैं. वो उनमें से नहीं है जो कि कुछ नया शुरू करें और उस नएपन में ही फंस कर रह जाएं कि बस अब हमने जो किया है यही अल्टीमेट है. थैंकफुली शी इज़ नॉट लाइक दैट. बदलते हुए वक्त के साथ एकता कपूर बालाजी को भी बदलती हैं. जहाँ एक टाइम पर उन्होंने टेलीविज़न को रेवोल्यूशनाइज किया था, बहुत नयापन लेकर आई थी, नए प्रकार के धारावाहिक आए थे जो कि कभी देखे ही नहीं थे इंडियन ऑडियंस ने. आज जब डिजिटल स्पेस में पूरी दुनिया घुसती जा रही है, तो एकता ने भी वहीं पर अपना एक कदम रखा है. और जहाँ हम लोग व्हाट्सएप पे छोटे छोटे वीडियोस देखते रहते थे एक टाइम पर, वाइंस देखते थे हम, या फिर हम लोग किसी अन्य नेट के चैनल पर जाते थे और वहाँ हम लोग उनके कंटेंट देखते थे. अपना खुद का भारतीय कंटेंट था नहीं अब तक हमारे पास, जो कि बालाजी ऑल्ट के थ्रू क्रिएट कर रहा है. ये यूनिक है. एकता ने हमेशा कुछ नया किया है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि वो, स्पेशली आई एम अ फेमिनिस्ट, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनको एक से एक नए काम करते हुए. वेब इज द फ्यूचर, सो यू नो शी इज हेडिंग टुवर्ड्स
into the right direction. And all Balaji is creating some amazing content, and this is going to be another feather to the cap. So yeah, thank you so much. And pleasure. Good luck. तो बहुत डिफरेंट सवाल है। ओके। आएंगे तो। चलो रोल है सबका। चलो रेडी। ओके। पूजा जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए बिकॉज थ्री वेरी अमेजिंग रियली फैंटास्टिक परफॉर्मर्स आर कमिंग टुगेदर फॉर दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज आई मीन देयर इज रोनित रॉय देयर इज गुरदीप कोहली जिनको देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ शी इज कमिंग आई मीन आई एम सीइंग हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड देयर इज ऑफकोर्स मोना सो आई मीन शी इज जस्ट फैंटास्टिक सो आई एम एक्चुअली really excited to go see what exactly it is and kaisa hai kaise kahani twists and turns leti hai yeah jaisa pooja ne kaha I think sabse pehli baat hai ki old balaji ek alternative platform hai to aapko apne regular daily soap se kuch alag hatke thoda sa different dekhne ko milta hai uske baad jab aap rohit roy ko dekhte ho to aapko pata hai ki powerful performance hogi साथ में मोना सिंह और गुरदीप इज़ कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम वेरी हैप्पी फॉर लेकिन सबसे ज़रूरी जो इस शो की प्रोड्यूसर हैं सृष्टि बहल आर्या मैंने अपने ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण शो उनके साथ किया है और वो जब भी कुछ करती हैं अगर वो कोई शो प्रोड्यूस करती हैं तो उसमें हमेशा एक लार्जर मीनिंग होता है एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट और बिकॉज ये सृष्टि बहल आर्या का प्रोड्यूस शो है सो आई एम इवन मोर एक्साइटेड फॉर इट पूजा जी हस्बैंड जिस तरह की वेब सीरीज में आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या देख रहे हैं क्या हस्बैंड वाइफ के अलावा और एक लड़की आई है जो कि बहुत ही लव करती है तो आप कितना बिलीव करती हैं कि हस्बैंड वाइफ के अलावा और एक प्यार जो कि सच्चा प्यार होता है तो कितना बिलीव करती हैं इन सारी चीज़ों में पूजा जी यार वेरी ऑनेस्टली सच्चा प्यार वाइफ के अलावा अगर आप मुझे पूछोगे तो सच्चा प्यार आपको बहुत सारे लोगों से हो सकता है दैट यू नो कम्स टू योर मदर फादर दैट कम्स टू योर चिल्ड्रन तो सच्चा प्यार यू नो कैन हैपन विथ मोर देन टू मोर देन वन पर्सन बट यू नो इस कॉन्सेप्ट पे ये एक रिफ्रेशिंग टेक है तभी मैं कह रही हूँ आई स्टिल हैवंट सीन इट एंड इसीलिए आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट इज़ यू नो ऑन ऑल्ट एंड टू पावरफुल वीमेन हैव कम टुगेदर टू मेक समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैव सीन ऑन टी वी और फिल्म और वॉट वी आर सीइंग ऑन वेब सो या दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू सी how it is different and how it is going to break that stereotype okay puja ji iske alawa jis tarah se ekta ji revolution aati hai tv ki baat kare jab unne tv mein kranti lai thi aur ab web series ke zariye alt web app ke zariye jis tarah se keh rahi hai back to back kar rahi hai logo ko pasand bhi aa raha hai kya kehna chahiye aap ekta ji ekta I mean she's my you know she's my favorite and you know I think she has a touch of gold I think she's just remarkable and she I think has absolutely amazing sense of what customers want I mean what your viewers want audience ko kya chahiye she has that very precise sense about it and I'm so glad that there is one amazing alternative portal jiske upar hum bahut sari different type ki cheeze dekh sakte hain television pe jo hame restriction दिखता है उससे ज़्यादा मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं एंड ऑफ कोर्स सृष्टि बहल हैज़ प्रोड्यूस दिस एंड जब आज तक उनके जितने भी शोज़ हमने देखे चाहे वो रीमिक्स हो या कोई भी और शो हो यू नो इट्स ऑलवेज बीन वेरी यूनिक सो वन मोर पूजा मैम आप बहुत साल से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और सून बहुत ही जल्द आप बिग स्क्रीन पर भी दिखने वाले हैं गली बॉस अपोजिट रणवीर सिंह गली बॉय आई डोंट नो कहाँ से क्या कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी सोच लेते हो सो नो बट ऑफकोर्स वेरी सून इफ यू आर यू विश फॉर मी एंड प्रे फॉर मी एंड इफ गॉड इज ग्रेट वाई नॉट ऑफकोर्स Thank you.
रैली वो वो क्या टेक होता है आप लोगों का जब इस तरह से हमने देखा मिलियंस ऑफ व्यू भी आए हैं ट्रेलर पर और अब आपके दोस्तों को भी पसंद आ रही है तो सबसे पहले गुरदीप जी बोलेंगे वेरी गुड मम्मी वेरी गुड टच बेटर अदर मम्मी अदर मम्मी आई एम नॉट मम्मी बहुत खुशी मिलती है आई थिंक ये एक्टर का रिवॉर्ड होता है कि लोगों को उनका काम पसंद आए सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेटिंग कि हम लोग कब जाएं अंदर स्क्रीनिंग के लिए सो या मोना यू आर डेब्यूइंग इन द वर्ल्ड ऑफ वेब हाउ टफ हाउ इजी वाज इट फ्रॉम यू नो टीवी एंड वेब इट्स एक्टिंग या एंड देन इट्स अगेन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग सो आई वाज यू नो ऑल आउट देयर टू लर्न फ्रॉम आवर director from Ekta, the concept, and I loved it. I loved the whole idea of that story of being the other woman who's always on the edge, who's not negative, who's not like a homebreaker jo vamp TV mein hoti hai. It's nothing like that. So it's very real and very believable, and I enjoyed playing it. Assault. हाँ जी जी क्योंकि मैंने भी आपकी वेब सीरीज अभी जस्ट देख ली है तो आपसे अब रियल लाइफ में सवाल पूछना चाहूँगा कि रिंग सिल्वर देना पसंद करते हैं या गोल्ड कौन सा रिंग इयररिंग्स में दोनों नहीं डायमंड तब तो बात बनती है ना सर हाँ सर So true love for me is what men don't do. It's called sacrifice. So then you have to, when you're in either in love with woman or your craft or your children. You essentially have to put yourself and your things on the back burner and do what is most necessary for the others. So have you sacrificed anything for your wife? She's coming, ask her. Yeah. Freedom, it's freedom. Well, I have sacrificed and I keep sacrificing every day to make her happy. Yeah, ask her, she's coming. So you're one of the artists who have explored all the three genres, serial, TV and now web series. So do you feel any difference between all three? No, sir. I mean, acting is acting. So on TV you spend less time in preparation and in about a month, month and a half, then you're just going through the motions. Web series, cinema, then you have, depends upon the character, different levels of preparation. But the work, like Monaji said, is the same, it's facing the camera. So which platform you have enjoyed the most? Interviews. Interviews.
Yeah, no, there's different mediums at different times. Ronitji, also, you are doing a very big film, Thumbs Up Hindustan. Lately, we have speculations are there that Amitji is not doing well. And I mean, he's not doing well. So, anything you can share with us? I was with Amit Amitji on the sets 2 days back, and he did a brilliant scene with my daughter, and he was there, and he was walking, talking, feeling fine, and he's a rock star, and he's the same, full of energy, and yeah, he's doing well. Okay. Yes. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।